दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आज के टाइम का बहुत ही ज्वलंत विषय है। इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। आखिर में सामान्य नागरिक संहिता होता क्या है? इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता, दूसरा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट। आईपीसी को थॉमस बविंगटन मैकाले, जिनको अंग्रेज लॉर्ड मैकाले बोलते थे, वो कहना उचित नहीं है, ठीक है। इन्होंने 1834 में अपने रूलिंग के दौरान इसको लिखा था और 1860 में ये इनेक्ट हुआ है। उसके बाद मैं इस पर तीन आर्टिकल्स और लाऊंगा बीच में। आर्टिकल 45, जो कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को एजुकेशन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार देता है। एंड आर्टिकल 25, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस पर भी चर्चा करना अति आवश्यक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता होता क्या है। इसके डिफिनेशन में अगर देखा जाए तो यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है, जो सभी पंथ के लोगों को विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत यानी वसीयत, बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। यह है मोटा मोटी सामान्य नागरिक संहिता आपकी। ठीक है दोस्तों, अभी समान नागरिक संहिता की परिभाषा को मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं, जिससे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर चर्चा में थोड़ा आनंद आएगा, आप लोग बने रहे, ठीक है। यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है, जो सभी पंथ के लोगों को विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, वसीयत, बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है, ठीक है। अभी इसके बाद में हम एक एक बिंदुओं पर इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको कुछ इसमें से पार्ट को हटा देते हैं, डिफिनेशन का, ठीक है। ओके, अभी हम ये लेते हैं यहां पर विवाह, ठीक है। विवाह विवाह हुआ तो जाहिर सी बात है तलाक की नौबत आएगी, ठीक है। तलाक की नौबत आ गई तो भरण पोषण का मुद्दा उठेगा, ठीक है साहब। भरण पोषण का मुद्दा उठेगा, भरण पोषण के बाद में आपका वसीयत आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद में आपका वसीयत आ गया, वसीयत के बाद में आपका एडॉप्शन बोल देना, ठीक है। अब इन बिंदुओं पर अगर चर्चा कर दी जाए तो भारतीय आचार संहिता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस कानून को आने से किसी के ऊपर और तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक समुदाय भारत में, आपको पता है आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो लगभग सभी धर्मों के बेसिक माइनॉरिटीज में, लेकिन सभी धर्मों को लोग भारत में रहते हैं और हमें सेकुलर कंट्री है। अभी आर्टिकल 25 बोलता भैया मेरे को तो धार्मिक आज़ादी है। अब एक धर्म पर्टिकुलरली मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा, मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम धर्म जो है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं समान नागरिक संहिता का कानून आने पर। कैसे? अब मैं इसमें जाना चाहूंगा, इन्होंने चालाकी किया है। अब जैसे अरब की एक कंट्री हो गई, अरब की कंट्री के कानून आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, कि हाथ के बदले चोरी किया तो हाथ काट लो, आंख के बदले आंख काट लो, मर्डर किया तो उसकी गर्दन काट लो, तो इस टाइप से वहां के कानून है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे धार्मिक वहां का इस्लामिक कानून हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आईपीसी चाहिए। क्यों? मुकदमा चलता रहेगा और बंदा अपनी जिंदगी जी लेगा, जब तक उसका दोष साबित नहीं होगा कोर्ट इसका फैसला करेगी नहीं, ठीक है साहब। वैसे ही आचार संहिता लागू हो गया सबके ऊपर। अब आर्टिकल 14 तो बोलता है कि भाई राइट टू इक्वलिटी है, सबको समानता का अधिकार है। आप इसको समानता के अधिकार के तहत आईपीसी आप ले रहे हो, कोड ऑफ कंडक्ट आप ले रहे हो, तो इसमें आपको कहां पर दिक्कत आ रही है? ये किसका कहना है? हिंदू धर्मावलंबियों का। और सरकार का भी यही कहना है कि अगर आप राइट टू इक्वलिटी ले रहे हो, आईपीसी की धारा ले रहे हो, कोड ऑफ कंडक्ट आप ले रहे हो, उसमें आपको एतराज नहीं है, तो आपको फिर समान नागरिक संहिता के कानून आने में क्या एतराज है?
अब जैसे इस्लामिक धर्म के मुताबिक बहुविवाह प्रथा लागू है, जबकि जब ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो भारत देश के रहने वाले हर नागरिक को एक विवाह ही, जैसा कि हिंदू धर्म में लागू है, एक विवाह ही करना लागू रह जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग हो हल्ला मचाना शुरू कर दिए। दूसरा आपका आ गया तलाक। तो तलाक का मुद्दा, अब तलाक का मुद्दा इनका इतना सॉफ्ट है, इन्होंने फोन पर भी किसी को 3 बार तलाक 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 कह दिया तो उसका तलाक हो जाता है। बाकी इनके जो प्रोविजंस है वो कितने डर्टी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक किसी के धार्मिक भावना को आप नहीं करना चाहता। लेकिन जो ये मुद्दा है, ये कहना है कि उससे क्या हो रहा है कि भाई भारत में रहने वाले सभी जेंडर, सभी लिंग को एक समानता का अधिकार है ना, एक समानता का अधिकार है। तो फिर आधी आबादी की लेडीजों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? तो इसलिए सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता आएगी। हिंदू धर्मावलंबी भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसको कट्टरपंथ के हिसाब से देखा जा रहा है। अब जैसे तलाक का मुद्दा आ गया तो वहां पर भरण पोषण का मुद्दा उठ जाता है। भरण पोषण के मुद्दे में ये क्या करते हैं, इन्होंने शादी के टाइम पर जो भी इनका मेहर की राशि एक होती है, जो इन्होंने बोला इतनी मेहर को दे करके मैं इसको निकाह को कबूल करता हूँ। अब मेहर की राशि उस समय किसी की, मान लिया आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बाद में उसकी आर्थिक स्थिति हो गई, 2 बच्चे तुमने पैदा कर दिए, 4 बच्चे तुमने पैदा कर दिए, उसके बाद में तुमने बोला मेहर की राशि लो और तुम निकल जाओ, मैं तो दूसरा विवाह करूँगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, भरण पोषण के मुद्दे में ऐसा नहीं होगा। अगर ये समान नागरिक संहिता आ गई तो ये तलाक किससे होगा, कोर्ट इसका फैसला देगा, और वहाँ पर मेंटेनेंस का जो भी कोर्ट निर्धारित करेगी वो अगले को देना पड़ेगा। तो उस पंथ को सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है, जो कि एक इस्लामिक धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, इनके धर्म गुरुओं को, इनके धर्मावलंबियों को। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, भाई तुम्हें धार्मिक आजादी, तुम्हें धार्मिक आजादी तो आज भी आर्टिकल 25 आपको दे रहा है, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन देश का जो कानून है उसको कानून को अपना कानून करने दीजिए। अभी अगला मुद्दा जाता है वसीयत, ठीक है भाई, वसीयत। तो भारत में हिंदू धर्म में वसीयत, अगर एक बच्चा माँ के पेट में भी है, उसका जन्म नहीं हुआ है, अगर उसके बाप की मृत्यु हो जाती है, तो धर्म के अनुसार बाप की पैतृक संपत्ति में उस बच्चे का भी हक होता है, लेकिन मुस्लिम समाज ये अलाउ नहीं करता है। उसका कहना है जो इनका बड़ा बेटा होता है वही उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, इस बड़े बेटे के न रहने पर ही उस छोटे बेटे का हक होता है, जबकि समान नागरिक संहिता का कानून आने से क्या होगा, आपका वही कानून लागू हो जाएगा जो कि एक सेंट्रल रूप से लागू होगा, बाकी फैसले कोर्ट के मुताबिक होंगे, क्योंकि ये कानून बन जाएगा, समान नागरिक संहिता का कानून बन जाएगा। ऐसे ही आगे आपका एडॉप्शन, गोद लेने का जो प्रोविजन है, एक्चुअली ये है कि आप अपने से 21 साल के छोटे बच्चे को गोद ले सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी उम्र 25 साल है, तुम किसी 22-24 साल के बच्चे को तुमने जो गोद ले लिया, या बच्ची को तुमने गोद ले लिया, तो इस टाइप का प्रोविजन अभी हट जाएगा, जो कि एक इस्लाम धर्म में इस टाइप का प्रोविजन है। तो धार्मिक रूप के जो कानून है वो धर्म के मानने की आज़ादी होगी, लेकिन उसका कानून नहीं होगा अगर ये सामान्य नागरिक संहिता आ जाएगी। मेन इसका मोटिव ये है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों।